हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री क्लास 10 इसके रिव्यू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और इसके 1 से लेकर 6 तक कंपोनेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, आपको ये बताना है डिसाइड वेदर सुक्रोज इज अ डाइसैकराइड और मोनोसैकराइड, गिव रीजन। आपको रीजन भी देना है, ठीक है। सुक्रोज पहले हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये मोनोसैकराइड है या डाइसैकराइड है। अच्छा, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अ फ्रुक्टोज यूनिट। ग्लूकोज का एक यूनिट होता है और एक फ्रुक्टोज का यूनिट होता है, और ये इंटरलिंक होता है ऑक्सीजन बॉन्ड से, ठीक है। तो कौन कौन से इसके अंदर मोनोमर्स है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सो इट इज अ डाइसैकेराइड, नॉट अ मोनोसैकेराइड। जाहिर है मोनोसैकेराइड हो नहीं सकता है, मोनोसैकेराइड में एक फोर मोनोमर होता है, यहाँ पे दो मोनोमर मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड अ डाइसैकेराइड। वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो को हाइड्रोलिसिस के अंदर, जो हम उसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके अंदर दो या दो से ज्यादा देते हैं मोनोमर्स, उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। तो यहाँ पे दो हमें मोनोमर्स मिले, तो ये कंफर्म हो गया कि डाइसैकेराइड है। अब इसमें कौन कौन से मोनोमर्स हैं, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक यूनिट जो है ग्लूकोज का, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है C6H12O6, और दूसरा हमें मिल रहा है फ्रुक्टोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर इसका 2 का दूसरा कंपोनेंट है, व्हाट इज डेक्सट्रोज शुगर। अब डेक्सट्रोज शुगर क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। शुगर जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, जिसको हम सुक्रोज भी कहते हैं और इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, घरों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज अ डेक्सट्रोरोटेटरी। अब ये डेक्सट्रोरोटेटरी क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मीनिंग डेट एन ऑप्टिकल आइसोमर इज रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट। जब हम प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास करते हैं, तो अगर ये जो है लाइट जो है वो उसको किस तरफ से मूव कर रही है, डेक्सट्रोस डेक्सट्रो साइड पे, यानी दो साइड है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो लीवो हम कहेंगे, नेगेटिव है तो लीवो कहेंगे, और पॉजिटिव है तो डेक्सट्रो कहेंगे। तो ये हमें डेक्सट्रोरोटेटरी नजर आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अ टाइप ऑफ शुगर डेट यूजुअली कम्स फ्रॉम कॉर्न और व्हीट। और आमतौर पे ये हमें कहाँ से डेक्सट्रो शुगर डेक्सट्रोज मिलता है, ये हमें कॉर्न से या व्हीट से मिलता है, ठीक है। डेक्सट्रोज इज ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल टू ग्लूकोज, जैसे हम ग्लूकोज है बिल्कुल इसी तरह से ये भी होता है, तो ये आइडेंटिकल है। तो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होती है, ब्लड स्ट्रीम में जो होती है, ये उससे मिलता जुलता है। तो इस वजह से अगर हम इसको अगर यूज कर लें, जब वीकनेस है या शुगर डाउन हो गई है, तो हम ये यूज कर लेंगे, तो ये फौरी तौर पर हमारे ब्लड में शामिल होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इसी वजह से कहा जाता है क्विकली यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन बॉडी को फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब डेक्सट्रोज इज ऑफन यूज इन फूड्स एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर और प्रिजर्वेटिव, और इसको हम यूज करते हैं एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी। अगर किसी फ्रूट्स वगैरह को प्रिजर्व करने अगर आप शुगर लगा देंगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसका कलर खराब नहीं होगा, उसका टेस्ट बरकरार रहेगा। इसी तरह स्वीटनर के लिए के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, डेक्सट्रो रोटेटरी है चूंकि शुगर, तो इस वजह से हम इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। और ये अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे दो डायग्राम बनी हुई है, एक डी ग्लूकोज है और एक एल ग्लूकोज है। जो डी ग्लूकोज है उसमें आप देख लें, जो OH पहला OH ग्रुप है वो हमारे राइट साइड पर है, और एल ग्लूकोज जो लीवर रोटेटरी होता है उसके अंदर पहला OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर। इसी तरह हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डेक्सट्रोज या टेबल शुगर या सुक्रोज है वो कौन सी टाइप की है, वो डी ग्लूकोज कहलाती है, क्योंकि उसका OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पे आता है। तो प्ले जब हम लाइट पास करेंगे तो हमें जो ये किस साइड पे मूवमेंट शो करेगा, डेक्सट्रोरोटेटरी शो करेगा। एक हमारे पास डिवाइस है जिसको हम पॉलीमीटर कहते हैं, उसकी मदद से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आएगा इधर शुगर इज डेक्सट्रोरोटेटरी और लीवर रोटेटरी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप चेंजिंग। ये हमने एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे चार कंपोनेंट हमने बनाए हुए हैं। इसमें आपको नजर आ रहा होगा सेंटर में कार्बन है, इसके इस साइड पर जो है ये अल्काइल रेडिकल हो सकता है और ये कोई भी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अमाइनो ग्रुप एक साइड पे लगा हुआ है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल सी डबल ओ एच है और अमाइनो ग्रुप NH2 है, और बाकी जो एक हमारी लिंकेज रह जाएगी वो वैलेंसी रह जाएगी, वहां पे हाइड्रोजन अटैच। इस तरह अमाइनो एसिड को हमने जनरल फॉर्मूला भी लिख दिया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिख दिया, और यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया कि अमाइनो एसिड के अंदर कौन कौन से ग्रुप है। एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और अल्काइल रेडिकल की चेन अटैच होती है एक साइड पर और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो हम देखते हैं तो ये अमाइनो एसिड हम ले लेंगे, दो अमाइनो एसिड है, इनके दरमियान एक साइड पे अमाइनो ग्रुप है दोनों में और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक मॉलिक्यूल का यानी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों मिलते हैं आपस में और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करते हैं। वाटर वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका OH ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों आएंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे जो लिंकेज रह जाएगी वो आपस में कार्बन नाइट्रोजन ज्वाइन कर लेंगे और ये पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ज्वाइनिंग होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन की किससे, अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन से, और इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। अ पेप्टाइड बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के दरमियान होगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को वर्क करेगा और एक मॉलिक्यूल का अमाइनो ग्रुप वर्क करेगा, और रिलीज क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह चूंकि दो पेप्टाइड यहाँ पे मॉलिक्यूल थे, इस वजह से हम लिंकेज को क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड भी कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज, ये डाई पेप्टाइड, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, विच कंपाउंड आर इंक्लूड इन लिपिड। लिपिड जो है एक बहुत डिस्क्रिप्टिव जो है वो टॉपिक है, बहुत डिटेल टॉपिक है, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन और ये पढ़ लेंगे कहाँ कहाँ पे लिपिड एक्टिव है, ठीक है। अब लिपिड के दो कैटेगरी होते हैं, फैटी एसिड है जो कि हम पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और दूसरा ग्लिसराइड होते हैं जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल ग्लिसराइड भी होते हैं, फर्दर उनकी कैटेगरी है। इसी तरह यहाँ पर भी फर्दर कैटेगरी है, नॉन ग्लिसराइड, ये ग्लिसराइड और नॉन, तो तीन इनकी कैटेगरी है लिपिड की, फैटी एसिड, ग्लिसराइड और नॉन ग्लिसराइड। हम जो डिटेल में पढ़े वो हम कौन सा पढ़े, फैटी एसिड का पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल पूछिए हमसे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल लिपिड की हो सकती है, तो लिपिड के अंदर फैट्स हो सकते हैं, ऑयल्स हो सकता है, वैक्सेस सारे लिपिड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वाइटामिन के अंदर लिपिड होता है, जैसे ए है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, हार्मोन्स के अंदर लिपिड होते हैं, और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्रोटीन नहीं हो सकता है, प्रोटीन से नहीं बन सकते, उसके अंदर लिपिड हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी लिपिड की एग्जांपल्स हैं आपकी, यहाँ जहाँ पे लिपिड हो सकते हैं। लिपिड आर नॉट सॉल्युबल वाटर, ये सॉल्युबल नहीं वाटर नहीं है, क्यों सॉल्युबल वाटर नहीं है, क्योंकि अनसैचुरेटेड आमतौर पर होता है और ये नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में सॉल्युबल है, वाटर पोलर होता है, आपको याद होगा लाइक सॉल्व लाइक, लेकिन ये ऐसे सॉल्युबल होंगे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर पे ये आराम से डिजोल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करें, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए आपको नाम से समझ आ रहा होगा, डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमसे इसका फंक्शन पूछा है, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछा है, फंक्शन पूछा है। स्ट्रक्चर आप देख लें, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और बीच में ये फॉस्फेट के बैकबोन है, ये आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे पेयर्स हैं, ये पेयर्स जो है ये नाइट्रोजनस बेस के ऊपर ये पेयर होते हैं, और इस पेयर की कॉम्बिनेशन की वजह से मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड बनते हैं। अच्छा ये जो हमारे पास जो है देखिये फंक्शन पूछा, तो एक्चुअली इसका जो फंक्शन होता है ना, ये ट्रांसमिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड ऑर्गेनिज्म।
न्यू ऑर्गेजम बनने के लिए जितनी जो है उनको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी इसके अंदर कोड होती है। और डीएनए का एक्चुअल पर्पज यही होता है कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर करें, ठीक है, और उसको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन बींग द सिंगल फर्टिलाइज एग सेल कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग लेग हैंड हेड लिवर हार्ट किडनी एक्सेट्रा। यानी एक सेल के अंदर ह्यूमन बींग के जो फर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए के अंदर। डीएनए इज फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस, और डीएनए कहाँ पर होता है, सेल के न्यूक्लियस के तरह, सेल के न्यूक्लियस में होता है। द की टू बी एबिलिटी ऑफ डीएनए टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड टू पास इट फ्रॉम जनरेशन इज इट्स डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। और ये जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इसकी कोडिंग होती है, और ये कोडिंग इसको एज इट इज पास होता है, और जो है न्यू जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको डी कोड करते हैं और उस हिसाब से उसको जो है परफॉर्म करता है। कलर कैसा होगा, शेप कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, और वे ऑफ स्टाइल उसका किस तरह का होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, डीएनए से मिलती है। तो डीएनए का एक्चुअल पर्पज क्या है, स्टोर एंड ट्रांसमिट ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए। ओके बेटा, थैंक यू।